नमस्कार दोस्तों, आज हम बीन्स की सब्जी बनाएंगे, इसलिए हमने 500 ग्राम बीन्स को अच्छा सा कट करके रखा है। दो टमाटर हैं, 5-10 कड़ी पत्ते हैं, 5-7 हरा मिर्च है जो मैंने कट कर उसे रखा है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कौन सा भी यूज कर लीजिए। मैंने छोटा वाला चम्मच से 5 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छा गर्म होने देना है। ऑयल अच्छा गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस को लो कर देना है। अब हम इसके अंदर हरा मिर्ची डालेंगे। मिर्ची को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल देंगे। थोड़ी देर पका लेंगे और थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसके अंदर बीन्स डाल देंगे। बीन्स को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे थोड़ी देर पकाएंगे मीडियम गैस पर। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच। आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग कर दीजिए नमक। नमक को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। अच्छा मिक्स करने के बाद इसको 6-7 मिनट ऐसे पकाना है मीडियम गैस पर। बीच में चलाते रहना है। बीच में चला लीजिएगा। देखिए दोस्तों, 7 मिनट के बाद बीन्स का एकदम कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मसाले को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। मसाले को भी थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। 4-5 मिनट और पकाएंगे मीडियम गैस पर। देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद एकदम बीन्स की सब्जी बनकर रेडी है। गैस को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, एकदम कितना खुला खुला बना है सब्जी। आप भी एक बार ज़रूर बनाएगा, एक बार आप भी ज़रूर बनाएगा दोस्तों। ऐसा सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं।
आप इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।